बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में हम विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 7 मरला डबल यूनिट डिज़ाइनर हाउस का, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। घर की जो डायमेंशंस हैं वो है 30x55। 30 घर का फ्रंट है, विड्थ है, और 55 घर की लेंथ है, लंबाई है। आप सब ने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है, घर का प्रॉपर विज़िट करेंगे और इसी वीडियो में आगे फर्दर घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, इंटीरियर की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग, सर्च के बगैर। तो विजिट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एलिवेशन देख लिया होगा, एलिवेशन बिल्कुल डिसेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है और एलिवेशन पे रॉक वॉल का यूज़ किया गया है। घर के राइट साइड पे घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है, और लेफ्ट साइड पे प्लॉट है, सेकंड टू कॉर्नर हाउस है। तो अब मूव करते हैं इसके पार्किंग रैम्प पे। पार्किंग रैम्प पे आते हैं तो सीमेंटेड स्पेस है, देन हमारे पास घर का रैम्प अवेलेबल है जिस पे टफ टाइल्स का यूज़ किया गया है। और लेफ्ट साइड टर्न करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसका ग्रीन एरिया, क्यारी, लॉन, जो भी आप कह सकते हैं, अवेलेबल है। इसको आप मज़ीद अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। लोकेलिटी में गैस अवेलेबल है, इस घर की डॉक्यूमेंटेशन ऑनर की तरफ से अप्लाइड है, और बिजली का जो घर में है 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल्ड है। फर्दर ये आप इसका मेन गेट देख लीजिए, लेफ़्ट साइड पे स्लाइडेबल है, राइट साइड का पैच पार की तरफ ओपनेबल है। तो अब चलते हैं इसके पोर्च में। पोर्च में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप पोर्च का थीम देख सकते हैं, डल थीम रखा गया है। यहाँ पे फ्लोरिंग पे भी डल टाइल्स हैं फैंसी। और लेफ्ट साइड टर्न करते हैं साइड स्ट्रीट में, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक और पानी की मोटर इंस्टॉल्ड की गई है। यहाँ पर भी आप अपना बाइक या साइकिल पार्क कर सकते हैं। तो अगेन अब आप पोर्च को देख लें, साइड वॉल्स, ऊपर सीलिंग वर्क देख सकते हैं, बिल्कुल डिसेंट सा है। और राइट साइड पे जो वॉल है, यहाँ पे स्टोन टाइल का यूज़ किया गया है और प्लांटेशन भी की गई है पोर्च की खूबसूरती में इजाफे के लिए। लेफ़्ट साइड के वॉल पे भी स्टोन टाइल का यूज़ किया गया है। और घर में इंटर होने का आपको एक ही डोर नज़र आ रहा होगा, जिसकी हेल्प से आप जो हैं एंट्रेंस लॉबी में इंटर होंगे, वो आपको डिफरेंट एरियाज़ के साथ कनेक्ट करेगा। तो पूरे घर में आपको बटन्स का डिज़ाइन ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पहले आप दो स्टेप देख लें ग्रेनाइट के, देन हमारे पास डिज़ाइनिंग वाला एक ही डबल डोर है, काफ़ी हाइटेड। तो अब चलते हैं घर के अंदर थ्रू मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस से इंटर होते हैं तो व्यूअर्स, आपको मैंने बताया था कि लॉबी का एरिया है, बिल्कुल सामने हमारे पास ग्राउंड पोर्शन का लाउंज का डोर है, और लेफ़्ट साइड पे इसका ड्राइंग रूम का बिल्कुल सेपरेट डोर है। और अगर आप राइट टर्न करते हैं तो ग्राउंड पोर्शन का पाउडर रूम है और फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस है। तो ये जो लॉबी का एरिया है, इसकी आप फ्लोरिंग चेक कर सकते हैं, टाइल फ्लोरिंग है। और ये साइड पे आप डोर चेक कर लें। तो अब हम इंटर हो चुके हैं व्यूअर्स इसके मेन लाउंज के एरिया में, ग्राउंड पोर्शन के। तो सबसे पहले आप सारी स्पेस को एक दफ़ा देख लें, देन लाइन वाइज एज़ यूजुअल हम घर का प्रॉपर विज़िट करेंगे। तो एक हमारे पास ओपन काफ़ी खूबसूरत इसका ड्राइंग रूम है, और एक टीवी लाउंज है, दो बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम, और एक हमारे पास क्लोज या ओपन, जो भी आप कह सकते हैं, किचन डिज़ाइन किया है गया है ग्राउंड पोर्शन पर। तो व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में हम विज़िट कर रहे हैं 7 मरला का बहुत ही खूबसूरत डबल यूनिट हाउस, जो कि इस टाइम बैरिया टाउन फेज़ ए रावलपिंडी की मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, प्रॉपर विज़िट करेंगे। ड्यूरिंग द वीडियो घर की डिमांड, फ्लोर प्लान, इंटीरियर की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फ्लोर प्लान, इंटीरियर पसंद आता है तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। और कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट्स, अपना जो फीडबैक है वो लाजमी बताना है। तो ये मेन ड्राइंग रूम का एरिया व्यूअर्स, वेंटिलेशन विंडो भी है, स्पेस सेफ्टी ग्रिल्स भी लगाई गई हैं वॉल पे सामने, फैंसी वार्म लाइट, और ऊपर इसका सीलिंग वर्क। पूरे ग्राउंड पोर्शन पे सेम पैटर्न का टाइल वर्क यूज़ किया गया है, फैंसी टाइल्स लगाई गई हैं। और जो राइट साइड पे ये डोर है व्यूअर्स, ये हमारे पास जो मेन एंट्रेंस लॉबी है, वहाँ से इसकी सेपरेट एक्सेस भी अवेलेबल है। तो ये जो स्पेस है हमारे पास ऑप्शनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप ड्राइंग रूम को लाउंज से सेपरेट कर सकते हैं। और अगेन अब हम इंटर होते हैं इसके लाउंज के एरिया में, तो लेफ़्ट साइड की वॉल्स आप देख सकते हैं डिज़ाइन की गई हैं, ऊपर सीलिंग वर्क,
और राइट साइड पे जो इसकी मीडिया वॉल की डिज़ाइन है इसको भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। और घर में जो है व्यूअर्स सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा अगर आपने एसओएस कंपनी का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवाना है आप वो भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो अब हम इंटर होते हैं इसके किचन के एरिया में। टाइल वर्क आप देख लें, डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत है। तो ये किचन है हमारे पास, इसका ऊपर सीलिंग वर्क देख लें। फ्लोरिंग पे वुडन टेक्सचर की डल टाइल्स का यूज़ किया गया है। उसके अलावा आप कैबिनेट्स का और जो ड्रॉज हैं इनका कलर कम्बिनेशन देख सकते हैं। किचन का एक डिफरेंट थीम जो है बनाया गया है। ये जो यहाँ पे डोर व्यूअर्स, ये हमारे पास बैक साइड लाउंड्री के एक्सेस के लिए है और आप वेंटिलेशन विंडो से देख सकते हैं बैक साइड पे गीज़र भी इंस्टॉल्ड है। तो किचन में शैंडलर भी काफ़ी खूबसूरत लगाया गया है। उसके अलावा ग्रॉसरीज के लिए यहाँ पे डिफरेंट जो है पैचेस डिज़ाइन किए गए हैं। तो अब अगेन मूव बैक करते हैं टीवी लाउंज के एरिया में। अब आप किचन के एंगल से अगेन सारे लाउंज के एरिया को और सामने ऊपर सीलिंग वर्क को सबको देख लें। लाउंज में दो फैंस हैं प्लस शैंडलर। और यहाँ से लेफ्ट टर्न करते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ हमारे पास बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम। और फ्लोरिंग पे आपको बताया था सेम पैटर्न का टाइल वर्क यूज़ किया गया है। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं बेडरूम नंबर फर्स्ट से, डोर चेक कर लें। और यहाँ पर राइट साइड की वॉल आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। सामने इसके फोर डोर डबल पैच में इसकी कबर्ड्स डिज़ाइन की गई हैं और फ्लोरिंग पे कंप्लीट टाइल वर्क किया गया है। घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफ़ी अमेजिंग है व्यूअर्स। और जो स्पेशली जो वॉशरूम्स हैं घर के, उनकी फिनिशिंग काफ़ी खूबसूरत तरीके से की गई है। आई होप आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और इंटीरियर पसंद आएगा। तो वेंटिलेशन विंडो भी है। इंटर होते हैं इसके वॉशरूम में। वॉशरूम में ग्लास का ऑप्शन अवेलेबल है, आप शॉवर एरिया को यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। और जो वैनिटी है, वॉल हैंगिंग फैंसी वैनिटी है। टाइल वर्क आप देख सकते हैं बिल्कुल डल टाइल्स यूज़ की गई हैं और यहाँ पे पोर्टा की फिटिंग्स। तो ग्राउंड पोर्शन पे हमारे पास दो बेडरूम्स हैं व्यूअर्स विद वॉशरूम। एक हमारे पास काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम विद पाउडर रूम है और एक हमारे पास बिल्कुल सेपरेट स्टाइलिश किचन है। तो अब आप बेडरूम फर्स्ट के एंगल से अगेन सारी स्पेस देख लें। राइट टर्न करते हैं बेडरूम सेकेंड की तरफ। तो यहाँ पे भी वार्डरोब्स डिज़ाइन की गई हैं। वॉल पे यहाँ पे भी वेंटिलेशन विंडो है, उस पर सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल की गई हैं। फ्लोरिंग पे टाइल वर्क है कंप्लीट और ऊपर इसका सीलिंग वर्क। तो इसके वॉशरूम की फिनिशिंग भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वॉशरूम्स की जो स्पेशली फिनिशिंग है काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शॉवर एरिया को बिल्कुल सेपरेट किया गया है। मज़ीद आपने सेपरेट करना है तो यहाँ पे आप एक ग्लास जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। टाइल वर्क बिल्कुल हाइट तक किया गया है सीलिंग तक और पोर्टा की फिटिंग्स का यूज़ किया गया है वॉशरूम्स में। तो इसकी भी जो वॉल है रूम की सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई थिंक आपको क्लोज जाके चेक करवाना पड़ेगा, यहाँ पर 3D वॉलपेपर का यूज़ किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब अगेन चलते हैं इसके लाउंज के एरिया में। अगेन सारी स्पेस देख लें आप। तो ग्राउंड पोर्शन का हमने विजिट कंप्लीट कर लिया है, रिमेनिंग हमारे पास इसका पाउडर रूम रह गया है और वो देखते हैं। देन मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे इसका पाउडर रूम है, स्टेयर्स के नीचे भी स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप स्टोर रूम बना सकते हैं। इस वॉशरूम की भी आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी की गई है। यहाँ पे अंदर भी लाइट लगाई गई है और ये इसका वॉश बेसिन। तो अब मूव कर ग्राउंड पोर्शन का जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे अवेलेबल है एंट्रेंस लॉबी में। और अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो स्टेप्स प्लस ग्रिल्स देख लें आप और यहाँ पे भी वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। फर्स्ट फ्लोर में इंटर होते हैं तो व्यूअर्स सबसे पहले इसका आप मेन स्विच बोर्ड देख लें। लेफ्ट साइड पे बेडरूम नंबर फर्स्ट और बिल्कुल सामने इसका टीवी लाउंज का एरिया, सामने इसका ओपन किचन और रिमेनिंग जो दो बेडरूम्स हैं बिल्कुल सामने हैं। तो इन टोटल व्यूअर्स घर में 5 बेडरूम्स हैं विद वॉशरूम, 2 काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज हैं और 2 किचन हैं। ग्राउंड पोर्शन पे एक
ड्राइंग रूम विद पाउडर रूम है, उसके अलावा छत पे सर्वेंट रूम विद वॉशरूम अवेलेबल है। प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है, फर्स्ट फ्लोर की जो एक्सेस है आपको वीडियो में स्टार्ट में दिखाया था उसकी जो एक्सेस है बिल्कुल सेपरेट है। तो अगर आप दो डिफरेंट फैमिलीज को रेंट आउट करना चाहते हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एक पोर्शन में खुद रह के सेकेंड को रेंट आउट करना है तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है और इसकी जो मीडिया वॉल है ये बिल्कुल राइट साइड पे डिज़ाइन की गई है काफ़ी खूबसूरत तरीके से। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं घर के आस्किंग प्राइस की। तो इस घर की जो डिमांड है फ्रॉम ऑनर साइड वो है 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लैक्स घर की आस्किंग प्राइस है जो कि ऑनर की तरफ से है और जिसमें नेगोशिएशन का मार्जिन अवेलेबल है। तो आप में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है वो इसको ऑन ग्राउंड विजिट करना चाहता है या इसको ख़रीदना चाहता है, आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मेरा नेम विद नंबर मेंशन है। सेम नंबर पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम कांटेक्ट करके घर से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा, फर्दर इसके ऑनर के साथ आपकी मीटिंग भी करवा दी जाएगी। तो अगेन शेयर कर दूँ आज की इस न्यू वीडियो में आपको मैं विज़िट करवा रहा हूँ 7 मरला का बहुत ही खूबसूरत डबल यूनिट हाउस जो कि इस टाइम 2 करोड़ 50 लाख कैश पे सेल के लिए अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अमेजिंग किस्म की है और मेन चीज़ जो इस घर की एक्सेस है वो भी काफ़ी इजी है, सेकंड टू कॉर्नर हाउस है। और उसके अलावा इस ब्लॉक में गैस बिजली और पानी सब कुछ अवेलेबल है। इस घर की जो गैस की डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑनर की तरफ से अप्लाइड है और बिजली और पानी इस घर में अवेलेबल है। तो जो फैमिली पार्क होता है हर ब्लॉक में अपना और जो वाटर फिल्टर प्लांट होता है वो भी काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे अवेलेबल है। कमर्शियल एरिया और बैंक्स वगैरह, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह भी काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे अवेलेबल हैं। तो घर परचेज़ करने की सूरत में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने इस बेडरूम के वॉशरूम की फिनिशिंग भी देख ली होगी, काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। तो ये था बेडरूम नंबर 2। अगेन अब आप इस बेडरूम के एंगल से सारी स्पेस देख लें। फ्लोर प्लान काफ़ी खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया गया है। रिमेनिंग जो थर्ड बेडरूम है जो कि टेरेस वाला रूम है यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, इसको आप फर्स्ट फ्लोर का एज अ ड्राइंग रूम भी कंसिडर कर सकते हैं या आप इसको बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हैं। इसकी वार्डरोब्स काफ़ी खूबसूरत वहाँ पर डिज़ाइन की गई हैं सामने बिल्कुल, और इसकी आप वॉल देख सकते हैं इसको भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। वेट इस घर के अलावा भी 5, 7 और 10 मरला के ब्रांड न्यू घर अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट करके उन घर से रिलेटेड भी डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी अवेलेबल हैं, तो आप उनसे रिलेटेड भी डिटेल्स ले सकते हैं। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नेम और नंबर मेंशन है और ड्यूरिंग द वीडियो भी आपको स्क्रीन पे हर वीडियो में स्क्रीन पे नंबर शो होता होगा, आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वॉशरूम है जैसे कि मैंने आपको 2 से 3 दफ़ा बताया है, वॉशरूम्स की फिनिशिंग काफ़ी खूबसूरत है तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं। तो विज़िट हमने कम्प्लीट कर लिया व्यूअर्स, रिमेनिंग हमारे पास छत रह गई है और छत पर सर्वेंट रूम विद वॉशरूम है जिसका मेंटेनेंस का काम बाकी है, वो इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड उसका विज़िट करवा दिया जाएगा। तो अगेन शेयर कर दूँ आज की इस न्यू वीडियो में हमने विज़िट किया है 7 मरला का बहुत ही खूबसूरत घर जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन पे सेल के लिए अवेलेबल है। तो आई होप आपको घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, फ्लोर प्लान, इंटीरियर वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल डबल ए रियल स्टेट को आपने लाजमी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।